हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसज ट्यूबरकुलोसिस कि जो डिटेल पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे ट्यूबरकुलोसिस डिस के बारे में कि जिसको हम कहते हैं टी तो जो टी जो डिसीज़ है उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द टी and also about its detail pathophysiology ye jo pathophysiology ki hamare jo video lecture series hai ki jiske andar hum alag alag video lectures ke andar काफी different डिफरेंट डिजीज के बारे में हमने स्टडी की है like शुरुआत की थी हमने peptic ulcer से peptic ulcer के बाद हमने cancer के बारे में भी सीखा डिटेल में also about the inflammatory bowel disease उसके बाद हिपेटाइटिस के बारे में हमने स्टडी की हिपेटाइटिस के बाद ज़ोंडिस के ऊपर हमारे लेक्चर आए फिर हमने फीवर के ऊपर आपके लिए लेक्चर बनाया कफ़ दोनों टाइप के कफ़ एक तो वेट कफ एंड ड्राई कफ दोनों को हमने कवर किए थे तेज़े बहुत सारे डिसीज़ इवन हमने डायरिया है कॉन्स्टिपेशन गैस ट्रबल ऐसे बहुत सारी अलग अलग, अलग डिसीज़ को हम पैथोफेजियोलॉजी की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर स्टडी कर रहे हैं और सभी डिसीज की हम स्टडी करते हैं कोजिस सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से उसका डायग्नोसिस होता है एंड अबाउट देयर मेडिसिन तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द ट्यूबर तो ट्यूबर एक ऐसी डिसीज़ है कि जो होती है स्पेशली फ्रॉम बैक्टीरिया bacteria. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम कह सकते हैं स्पेशली और स्पेशली अफेक्ट करता है हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट कि जो हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक है वो सबसे ज्यादा ये डिसीज के अंदर अफेक्ट होता है कि जैसे कि इसके लिए जो पॉजिटिव कोई ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम तो समझो कि ये वाला पर्सन है वो टी बी वाला पेशेंट है कि जो कहेंगे कि हम वो इन्फेक्टेड है दिस इज़ टी बी इन्फेक्टेड पर्सन ये वाला जो पर्सन है उसको टी बी का इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ है और उसके बॉडी के अंदर स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्यूबरकुलसिस नाम के ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है अब समझो कि ये पर्सन किसी भी तरह से स्नीजिंग करता है तो स्नीजिंग मतलब कि जो उसको खांसी आती है तो उसके कारण वो जो टीबी के जो बैक्टीरिया थे वो एटमॉस्फेयर के अंदर फैलेंगे और उसको हम कहेंगे ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स ऑफ टीबी की जब ये पर्सन खांसी होती है स्नीजिंग होती है तो उस वक्त ये ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में फैलते हैं और सामने समझो कि ये हेल्दी पर्सन था तो हेल्दी पर्सनस के अंदर ब्रीथिंग के थ्रू या फिर ओरल कैविटी के, के थ्रू ये जो टीबी के जो इन्फेक्टिड बैक्टीरिया थे वो ये पर्सन के अंदर भी जा सकते हैं तो इस तरह से ये डिसीज़ पर्सन ए से पर्सन बी में फैलेगी तो दूसरे वर्ड में कहे तो टीबी जो है वो एक टाइप की कॉम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर भी आएगा कॉम्युनिकेबल डिसीज के एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर वो डिसीज़ फैल सकती है कि समझो कि एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो पर्सन उसके सामने रहे दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर सकता है तो ये थे मेन ट्यूबरकुलसिस का समझो कि हमने जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन देखा तो अब डिसीज को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उससे पहले बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स फार्मा रॉक्स का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह फार्मा रॉक्स के ऐप ऊपर अवेलेबल है तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड करिए अगर आप ऐपल आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर पर से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आई फोन ऐप ऑन एक्स स्टोर एंड एक्सेस द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर फॉर जी पे एट नाइपर डी आई एंड फार्मासस्ट एग्जाम सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्सन बॉक्स ट्यूबरकुलसिस कि जिसको शॉर्ट में कहा जाता है टीबी कि बहुत सारे लोगों को टीबी पता होगा बट बहुत कम लोगों को उसका फिलफॉर्म पता है कि जो साइंस रिलेटेड है प्लस जो इस टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज में रिगार्डिंग द मेडिसिन कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है कोई नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है कोई फार्मेसी के अंदर है वो ही स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादातर जानते हैं टीबी का फुल फॉर्म कि तो जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबर क्यूलोसिस बैक्टीरिया और उसमें भी माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम बैक्टीरिया ऐसा कहा जाता है बिकॉज ये ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो कौन से स्पीसीज के हैं मेन माइकोबैक्टीरियम तो ये माइकोबैक्टीरियम टाइप के बैक्टीरिया है एंड जो उसका मेन हम देखें तो वो है ट्यूबरकुलोसिस टाइप के माइकोबैक्टीरियम और उसको डिटेल में इस तरह से लिखा जाता है एम टी बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बट यूजुअली हम वर्ड टीबी यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया पर से जो डिसीज होने वाली होती है किसी को वो कही जाती है टीबी तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेस्चन्स के अंदर जब यहाँ से क्वेश्चन निकलता है तो दिस इज योर फर्स्ट एम सी क्यू पिन पॉइंट दिस इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिन पॉइंट तो जरूर से आप आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर ये पॉइंट लिख लीजिए कि ट्यूबी होने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है तो ये एक बैक्टीरिया है वो आपको खास ध्यान रखना है कि ना ही ये कोई फंगस से होता है ना ही कोई वायरस से टीबी जो होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो है बैक्टीरिया तो टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली एक डिसीज है कि जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज और कॉम्युनिकेबल डिसीज भी उसको कहा जाएगा कि समझो कि वन पर्सन उससे इन्फेक्टेड है तो वो उसके कॉन्टेक्ट में आने वाले दूसरे पर्सनस को भी इन्फेक्टेड कर सक सो so अगर यहाँ से देखें कि पर्सन ए इन्फेक्टेड है टी का और उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में समझो कि पर्सन बी भी, भी आता है तो टीबी के जो बैक्टीरिया है वो पर्सन बी के अंदर भी फैल सकते हैं और ये ये भी पर्सन हो सकता है इन्फेक्टेड कि जैसे हम कहते हैं कि ये टीबी से संक्रमित है और इसके कांटेक्ट में ये पर्सन भी आता है कंटिन्यूसली तो वो भी टीबी से संक्रमित हो सकता है और उसके अंदर भी टीबी के जो बैक्टीरिया है वो एंटर हो सकते हैं तो जो माइक्रो बैक्टीरियम है वो ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया है एरोबिक एसिड फास्ट बेसिली टाइप के बैक्टीरिया के समझो कि बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पूछी जाए एम के अंदर तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है देन ट्यूबरकुलस जनरली अफेक्ट द लंग्स तो टी तो स्पेशली कौन से हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है तो प्राइमरी वो लंग्स को सबसे पहले टारगेट कर दी है टी बी टारगेट द लंग्स कि जो हमारे रेस्परेटरी ट्रैक का एक मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसी के कारण हम टी बी को कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन यहाँ पे हो रहा है किसका तो माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम बैक्टीरिया का और वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे लंग्स को जिसके कारण वो आर टी आई रेस्परेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हम कह सकते हैं रेस्परेटरी ट्रैक के साथ वो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है वो हम आगे डिटेल में उसके सिम्टम्स के अंदर देखेंगे तो मोस्ट इन्फेक्शंस नॉट हैव ए सिम्टम्स इन विच केस इट इज़ नोन एज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस तो ये एक एम का एक और पिन पॉइंट है कि व्हाट इज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस तो इन्फेक्शन नॉट हैव ए सिम्टम्स इन विच केस इट इज नोन एज अ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस तो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट्स करता हूँ वो आपके लिए पिन पॉइंट रहेंगे टीबी माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम एमटीबी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव वाला पॉइंट याद रखिए एरोबिक है एंड एसिड फास्ट बेसिली कि जो टीबी के मेन बैक्टीरिया कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है तो यूजली द लंग्स एंड लेटेंट ट्यूबेरकोलेसिस तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते इस टाइप का टीबी होता है किसी को तो वो कहा जाएगा लेटेंट ट्यूबरकोसिस उसके अंदर टीबी के बैक्टीरिया प्रेजेंट है बट डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स इन विच केस इट इज नॉन एज अ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया हम देख सकते हैं तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कि जो ग्राम पॉजिटिव है एरोबिक है एसिड फास्ट बेसिली है एंड फर्स्ट उनको डिस्कवर किया गया 1882 के अंदर बाय रॉबर्ट कोच तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसका मतलब ये है कि यह पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है उसके बाद ये जो पॉइंट है वो आपके लिए हमेशा बनेगा एमसीक्यू के लिए पिन पॉइंट कि माइक्रो बैक्टीरियम हैज एन अनयूजल वैक्सी कोटिंग तो एक वैक्सी कोटिंग होता है कि जो ये बैक्टीरिया को देता है एक साइनी तो वो किसका बना है तो माइकोलिक एसिड तो आप देख सकते हैं माइकोलिक एसिड का जो एक कोटिंग होता है ये बैक्टीरिया के अंदर और वो देता है उसको एक स्पेशल अपियरेंस कि जो साइनी आप यहां पे देख सकते हैं ये बैक्टीरिया की तो ये जो हमें इस टाइप की जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं कि जो थोड़े साइनी है इवन ये आप रेड वाले में भी देखेंगे तो भी एक इसके ऊपर एक आपको साइनीनेस आपको देखने को मिलती है कि जो एक टाइप के उसके ऊपर जो वैक्सी कोटिंग है कि जैसे हम टैबलेट को कोटिंग करने के बाद जैसे उसका अपियरेंस इम्प्रूव हो जाता है काफ़ी एट्रैक्टिव दिखती है सेम लाइक दैट ये बैक्टीरिया भी काफ़ी होते हैं दिखने में एट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ दिस वैक्सी कोटिंग ऑन इट्स सेल सरफेस एंड वो होता है ड्यू टू द माइकोलिक एसिड वो कोटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो माइकोलिक एसिड तो ये पॉइंट आपको कभी भी नहीं भूलना है याद रखना है अच्छे से दिस कोटिंग मेक्स द सेल्स इम्परवियस टू ग्राम स्टेनिंग तो यहां पे ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत क्यों है बिकॉज कि जब हम मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे कि समझे कि किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है टीबी की तो टीबी की ट्रीटमेंट हम तब कर पाएंगे कि ये टी के बैक्टीरिया को हम कील कर सकें तो यहाँ पे क्या है कि ये बैक्टीरिया है और उसके ऊपर एक दूसरा कोटिंग है कि कोटिंग के लिए मैं चलो कलर चेंज करता हूं तो इस तरह से जो बाहर का जो है ये वाला तो ये हम कहेंगे कि माइकोलिक एसिड का कोटिंग और अंदर की हो रही है ये बैक्टीरिया। तो जब आपको टीबी के बैक्टीरिया को कील करने होंगे तो सबसे पहले जो उसकी ये आउटर वॉल हम कहे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग कहे या फिर लेयर का है उसको हमें करना पड़ेगा ब्रेक कि जब हम टीबी की कोई मेडिसिन फाइंड आउट कर रहे हैं तो टीबी के बैक्टीरियाज को किल करने के लिए ज़रूरी होगा कि सबसे पहले हम माइकोलिक एसिड का ये जो वैक्सी कोटिंग है या फिर जो वॉल है उसको ब्रेक डाउन करें तो भी तो ही वो मेडिसिनस अंदर की ओर जाएगी और फिर ये बैक्टीरिया को किल करेगी तो इसीलिए ये मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब आप एक बार मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर लेते हैं तो किस तरह से फिर आपको आगे वो बैक्टीरिया को किल करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डेवलपिंग द वेरियस एंटी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टे मेडिसिन कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हम कहते हैं वो इसी के बेसिस पे होते हैं कि, कि किस तरह से आप ये बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं आगे सीखते हैं साइनम सिम्टम्स के बारे में तो टीबी के जो मेन कोई सिम्टम्स हम कहें तो उसके अंदर ये प्राइमरी या मेन सिम्टम है कफिंग ऑफ़ द ब्लड जो ब्लड होता है उसके अंदर जो ब्लड है वो कफ़ के अंदर मिक्स हो जाता है तो वो कंडीशन को कहा जाता है कि कफिंग ऑफ विथ द ब्लड फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कफिंग रहता है चिल्स पेशेंट को काफ़ी ठंड लगती है फीवर भी रहता है चेस्ट पेन एंड फटीक तो ये है मेन उसके साइन एंड सिम्टम्स कि काफ़ी दिनों तक कफिंग रहता है प्लस कफिंग के साथ ब्लड आता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो रुमाल दिखाया गया है वो खून के कारण रेड कलर का हुआ है वो पेशेंट का कि जब उसने खांसी खाई जब उसको खांसी होती है तो उस वक्त खांसी के साथ कफिंग के साथ जो है वो ब्लड आ रहा है और वो उसके रूमाल पर हम देख सकते हैं पेशेंट को काफ़ी ठंड लगती है लॉन्ग टर्म काफ़ी दिनों तक उसको खांसी आती है फीवर रहता है चेस्ट के अंदर पेन रहता है बिकॉज ये जो इन्फेक्शन है माइक्रो बैक्टेरियम का वो स्पेशली अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को एज़ वेल एज़ हमारे लंग्स को वो अफेक्ट करता है तो जिसके कारण पेशेंट को चेस्ट पेन रहता है एंड फटिक काफ़ी थकान रहती है तो लॉस ऑफ एपेटाइट एक रहता है भूख काफ़ी कम लगती है पेशेंट को फीवर रहता है वेट लॉस जनरलाइज टेंडरनेस वीकनेस के जिसके कारण पेशेंट जो है वो फटिक जो थकान का अनुभव करता है लंग्स के ऊपर उसके सिम्टम्स देखे साइन तो कॉफिंग फिर प्लूरिसी कि जिसको कहा जाता है कि शार्प पेन फेल्ट इन द चेस्ट वैन ब्रीथिंग इन डी पी और कॉफिंग फिर कॉफिंग अप ऑफ स्पूटम कि जो हम स्पूटम कहते हैं वो डेवलप होते हैं और उसके अंदर होता है ब्लड तो समझो कि ब्लड प्लस स्पूटम वो दो कम्बिनेशन में आ रहा है तो वो एक फिजिकल पैरामीटर बन जाता है डायग्नोसिस का कि समझो कि पेशेंट को आप बिना कोई टेस्ट किए जस्ट पूछते कि आपको जब आपको खांसी आती है और कफिंग होता है और उसके अंदर जो स्पूटम निकलते हैं उस स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा है या नहीं तो इस तरह से पता चलता है टीबी के बारे में फिर स्किन के ऊपर हम देखें तो नाइट स्वेट जो है वो डेवलप होते हैं पेशेंट के अंदर तो ये है उसके मेन साइन एंड सिम्टम्स टीबी के जो आप पेशेंट को देखोगे तो इस तरह का पेशेंट होगा कि स्पेशली जो उसके जो लंग्स का जो पोर्सन है वो काफ़ी अफेक्ट होता है ये पूरा लंग्स का पोर्शन कि जैसे कोई पर्सन को माल न्यूट्रिशन जैसा हो ऐसा दिखेगा आपको कि जब आप कोई टी के पेशेंट को देखते हैं तो यू विल फील लाइक दैट दैट पर्सन इज ए हैव ए माल न्यूट्रिशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम बट माल न्यूट्रिशन इस तरह से आपको ऐसा दिखता है बिकॉज पेशेंट के भूख जो है वो काफ़ी कम हो जाती है लेपिटाइस लॉस होती है प्लस जो लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन फैलता है टी के कारण तो वो लंग्स को जो है वो डैमेज करते हैं टी के बैक्टीरिया डैमेज करते हैं हमारे लंग्स और वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे काफ़ी फैलता है जिसके कारण पेशेंट जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है एज वेल एज़ जो फटीक थकान होती है वेट लॉस होता है फीवर रहता है कंटिन्यूसली कफिंग रहता है और कफिंग के अंदर जो स्पूटम आते हैं वो स्पूटम के अंदर ब्लड भी लॉस होता है पेशेंट का तो जिसके कारण जो पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है एकदम से वीक जैसे माल न्यूट्रिशन की जैसे कंडीशन हो वैसा वो पेशेंट हो जाता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीबी के अंदर इन्फेक्टेड लंग्स कि जो लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं बाय माइको बैक्टेरियम कि माइको बैक्टेरियम जो बैक्टीरिया है वो जो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और एंटर होने के बाद ये बैक्टीरिया का होता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये बैक्टीरिया का वहाँ पे होता है मल्टीप्लीकेशन्स और मल्टीप्लिकेशन होने के कारण ये बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी अमाउंट के अंदर लंग्स के अंदर जो है वो जमा हो जाते हैं और वो हमारे लंग्स के जो एल जो होते हैं उसको डैमेज करते हैं तो जो हमारा लंग्स का जो मेन फंक्शनल यूनिट है उसको डैमेज करते हैं एल्विओली एज़ वेल एज़ एल्विओलर स्पेस को और वहाँ के जो उसके जो एल्विओली के जो सेल्स होते हैं उसको कम्प्लीटली डैमेज करते हैं और जिसके कारण वो सेल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं प्लस वहाँ से रिलीज़ होने लगता है थोड़ा थोड़ा ब्लड वो ब्लड मिक्स होता है विथ म्यूकस एंड कफ और जो स्पूटम होता है उसके अंदर वो मिक्स होता है और स्पूटम के साथ जो है वो ब्लड मिक्स हो जाता है जिसको कहा जाता है कि ब्लड कंटेनिंग म्यूकस इन एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन पर्सन में एक्सपीरियंस क्रोनिक क्रफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस कि जो लंग्स डैमेज हुए तो उसके से जो ब्लड थोड़ा थोड़ा जो रिलीज होता रहता है वो ब्लड जो है वो स्पुटम के अंदर मिक्स होगा और जब आप ये पेशेंट्स के स्पुटम्स चेक करते हैं तो उसके अंदर आपको क्लियरली देखने को मिलते हैं ये ब्लड के स्ट्रेसिस तो उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को शायद टीबी हो सकता है तो फिर आप उसके करते हैं अलग अलग टेस्ट तो उसके जो साइनम सिम्टम्स हम देखें तो कॉफिंग रहता है कि जो साइट ऑफ एक्स्ट्रा पर्मोनरी ट्यूबरसुलिसिस जो होता है तो उसके अंदर और कंडीशन ख़राब होती है कि कफिंग अप विद ब्लड चेस्ट पेन फीवर चिल्स वेट लॉस होता है नाइट्स वेट लॉन्ग टर्म कफ नो एपेटाइट एंड फर्टिक तो ये है मेन टीबी के साइनम सिंटम्स कोज़िज़ तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि मेन जो उसका जो कोज है डिसीज होने का कोज कहे या फिर रीजन तो इन्फेक्शन ऑफ ए माइको बैक्टेरियम के टीबी के बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है टीबी के जो बैक्टीरिया की जिसको हम कहते हैं माइको बैक्टेरियम तो उसके इन्फेक्शन के कारण पेशेंट जो है वो टीबी जो डिसीज है उससे संक्रमित हो जाता है तो टीबी बैक्टीरिया बिकम्स लाइटर इन वेट ड्यू टू द वॉटर लॉस द साइज ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर द लॉस विल बी सेवरेल माइक्रॉन काफ़ी माइक्रॉन की पाँच से लेकर दस माइक्रोमीटर के साइज के ये बैक्टीरिया होते हैं और ये जो है वो पेशेंट की जो इन्फेक्टेड है उसकी लंग कैविटी के अंदर प्रेजेंट है ये टीबी के बैक्टीरिया अब यह बैक्टीरिया जब ये पर्सन स्नीजिंग करता है एंड कफिंग करता है तो उस वक्त ये बैक्टीरिया आप देख सकते हैं उसके जो स्नीजिंग के जो ड्रॉपलेट्स थे उसके अंदर थे और ये अब हवा में फैल चुके हैं और ड्रॉपलेट न्यूक्लियस ऑफ टी बैक्टीरिया इन सेवरल माइक्रो इन साइज, इनफैक्ट, द पीपल क्लोज टू द पेसेंट अब जो भी पर्सन जो भी कोई अलग अलग जो व्यक्ति की जो उसके नज़दीक होते हैं वो समझो कि कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते तो ये बैक्टीरिया डायरेक्टली उसके रेस्परेटरी ट्रैक में एंटर होते हैं और हम देख सकते हैं कि ये वाला एक बैक्टीरिया टीबी का अब ये क्लोज कॉन्टेक्ट वाले पर्सन के अंदर भी ऐड हुआ है बिकॉज ये पर्सन ने स्नीजिंग ली है कॉफिंग और इसने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं रखा समझो कि ना ही इसने मास्क लगाया है ना ही ये वाले पर्सन ने तो समझो दोनों मास्क लगा लेते तो ना ही इसके बैक्टीरिया हवा में फैलते और समझो कि कुछ स्ट्रेसिस में भी फैलते हैं तो समझो कि ये वाले पर्सन ने भी मास्क लगाया है तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर फैल नहीं सकते तो मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन से ही आप उसका प्रिवेंशन ढूँढ सकते हैं कि मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कि इसके जो टीबी के बैक्टीरिया ड्रॉपलेट के फॉर्म में एटमोसफियर के अंदर फैल रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आप बेटर है कि मास्क लगाए या फिर आपका जो फेस है उसको अच्छे से कवर करके रखें वैन यू मीट और इन ए कॉन्टेक्ट विद दिस पेशेंट ऑफ टी बी और ये पर्सन को भी कंटिन्यूसली जो है वो आप मास्क में रखें कि लाइक like ये जो मास्क ये टी बी के पेशेंट ने लगाया हुआ है प्लस ये स्नीजिंग के दौरान भी जो है वो रुमाल रख रहा है ही हैड कवर द फेस कवर फेस ड्यूरिंग द स्नीजिंग स्नीजिंग के दौरान समझो कि फेस अच्छे से कवर कर रहा है मास्क से या फिर किसी रुमाल से किसी गमछे से तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो उससे संक्रमित नहीं होगा तो ये होते हैं मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी